अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की पूरियाँ आई हुई हैं। और ये मैं बताऊँ, ये है सहरी का टाइम, बल्कि सहरी का भी नहीं, ये 1:30-2 बजे का वक्त है। और भाई ने कहा था कि भाई कुछ हैवी सीन होने वाला है, तो जल्दी से हम सहरी करेंगे। और भाई लेकर आए थे ये बहुत बहुत जॉइंट साइज की ना पूरियां नहीं, पराठे थे ये एक तरह के, और बहुत हैवी थे और कुछ ज़्यादा ही हैवी थे। और सहरी में हमें इतना हैवी खाने की आदत नहीं है, तो हम लोगों से तो खैर खाए नहीं गए थे, बिल्कुल भी नहीं खाए गए थे। और ये एक ही में से हम 5 लोगों ने खा लिया था, और उसमें से भी बच गया था, और तो एक भाई ने पूरा कहा बच गया था। हाँ एक पूरा ही बच गया था ये पराठा, क्योंकि इतना हैवी है और ऑयली फूड हम लोग वैसे ही नहीं खाते। मतलब घर का भी पराठा हमें हैवी लग जाता है, तो ये तो डीप फ्राई हुआ हुआ था। तो खैर जायके में अच्छा था। भाई ने खाया था कुछ दिन पहले अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उन्होंने जिक्र किया था यार बड़ा अच्छा होता है, ऐसे होता है वैसे होता है, जैसे कि सारे भाई बातें करते हैं उस तरह से। मैं लेकर आऊँगा सहरी में किसी दिन। तो भाई ने कहा था भाई सहरी में क्या कहते हैं मैं लेकर आऊँगा, कुछ बनाना नहीं। तो हमने कहा था भाई लाओ तो जल्दी लाना, क्योंकि खुद ही कह रहे थे बहुत हैवी सीन होने वाला है भाई। तो हमने कहा भाई जल्दी ले आना, क्योंकि हम नहीं खा सकते इतनी देर से। मतलब ऐसे नहीं कि हम 3 बजे 3:30 बजे खाएं और फिर हमसे ना कुछ नमाज पढ़ी जाती है ना कोई काम किया जाता है, तो बस फिर उसके बाद आप रेस्ट ही कर सकते हैं। अच्छा तो इसके साथ जो लवाजमात आए थे वही आए थे, हलवा पूरी वाले, छोलों की तरकारी थी और इसके साथ आलू की तरकारी थी, जो कि हमें क्वांटिटी में ज़रा कम लगी, क्योंकि इतने बड़े साइज़ के थे और क्या कहते हैं हमारे हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए थी इसकी क्योंकि क्वांटिटी। जो पूरी है वो ज़ाहिर है वो इतनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है ना, तो उस हिसाब से हमें लगा कि ग्रेवी, हमें लगा नहीं, हमें था कि ग्रेवी कम थी, क्योंकि हमें लग रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ वो थी भी कम, मतलब वो ये हाँ नॉर्मल जो हम पूरियाँ मंगवाते हैं, मतलब 7-8 पूरियाँ जो मंगवाते हैं घर में, तो उसके अंदर इतनी क्वांटिटी में आती हैं, और ये तो फिर डबल ट्रिपल थी। अच्छा इसके साथ हलवा इन्होंने बहुत पुन्ना सा दिया चुन्ना था। मुन्ना। और इसके साथ ये जो क्या कहते हैं सख्त वाली, क्या कहती हैं इसको, हम बेवड़ी कहते हैं, हम नहीं कहते इसको, कहते ही बेवड़ी हैं। और ये खस्ता सी वो होती हैं, जिस तरह की पापड़ी होती है ना उस तरह की हाँ होती है, लेकिन सख्त उससे पूरी होती है उससे ये। ज़्यादा खस्ता होती है, मतलब नॉर्मल जो हमारी पापड़ी है उससे ज़्यादा खस्ता होती है। और ये हलवे के साथ खाई जाती है। जो लोग बंस रोड के पास रहते होंगे तो वो लोग जानते होंगे इसको, क्योंकि वहाँ पे जो हलवा पूरी मिलती है उसके साथ ये बेवड़ियाँ ज़रूर दी जाती हैं। अब आप लोग नाम सुन के बड़ा फनी सा साउंड करता है ये नाम, लेकिन इसको यही कहते हैं। तो बस हम लोग खाना स्टार्ट हो गए थे, और बस 2-3 बाइट के बाद ये था कि अब नहीं खा सकते, इतना हैवी था ये। बहुत हैवी सीन हो गया था। खैर हमने सहरी कर ली थी और फिर चाय वगैरह पी ली थी और नमाज़ वगैरह पढ़ के हम सो गए थे। अब आ जाएंगे हम डायरेक्ट नेक्स्ट डे पे। तो भाई यहाँ पे बन रही है मीठी फुलकियाँ, या आप इसे कह सकते हैं, हम इसे मालपुड़े भी कहते हैं बचपन से, हम इसे और मालपुड़े ही कहते हाँ हैं यही बचपन कहते से। हैं बचपन से। अच्छा यहाँ पे मैंने किया क्या था, 1 पाव मैंने ली थी माश की दाल, माश की दाल का आटा लिया था, ठीक है, उसको मैंने घोल लिया था, थिक घोल लिया था, देखें कितना थिक है, इतना ही थिक अच्छा होना थिक चाहिए, पेस्ट होना चाहिए ना। उसको आपने घोल लेना है और रख देना है। इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब इधर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अदद अंडा, अभी और कुछ ऐड नहीं किया था ना हमने। अब कुछ भी नहीं ऐड होगा इसके अंदर, बस थोड़ा सा सोडा जाएगा। अंडे के साथ इसको हमने मिक्स कर लेना है, इसलिए इसको हमने थिक ही रखा था, क्योंकि हमने इसमें डालना था अंडा। और अगर हमें हमें लगेगा कि अगर ये थिक है तो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, सही है। अब इसके बाद में इसमें सोडा ऐड कर रही हूँ, सोडा है हमारे पास बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम एक राइजिंग एजेंट ऐड कर चुके हैं जो कि अंडा, उससे भी अच्छा फूल जाता है। और बस इसके अंदर सोडा ऐड करके इसको हमने फेंट लेना अच्छी तरीके से, गुस्सा आए तो यही काम कर लिया करें सारा नहीं फेंट गुस्सा आए लेना। तो या तो आटा गूंद लिया करें क्या मार के या तो ना इस टाइप का कुछ बना लिया करें। इसको आपने फेंट लेना अच्छी तरीके से, और जितने इसको मैंने घोला था और रखा था उतने मैंने इसका शीरा बनाने के लिए रख दिया था, वो तकरीबन मैंने 2 कप चीनी 2 कप पानी लिया है, उसने बना दिया है। और मेरे पास अक्सर ऐसा होता है कि फ्रिज में रखा होता है, फ्रीज़र के अंदर पुराना शीरा रखा होता है, तो मैं उसको भी मिक्स कर देती हूँ। मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने।
अच्छा, पुराना शीरा और नया शीरा मिक्स कर दिया? हाँ, वो मैंने मिक्स कर दिया, थोड़ा सा रखा हुआ था। वो ये होता है कि मैं मिठाई वगैरह बनाती हूँ या कुछ भी हम बनाते हैं तो वो बच ही जाता है शीरा, तो मैं उसको डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, उससे वो बड़ा अच्छा हो जाता है। जब कोई नेक्स्ट रेसिपी बनानी होती है ना, कोई भी चीज़ बनानी होती है मिठाई वगैरह शीरे वाली ना, हाँ, तो वो अपिया उसको और बढ़ा देती है। हाँ, मैं उसको बस थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। और इसके लिए शीरा हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए होता है, इसके लिए हमें शीरा थोड़ा सा थिन ही चाहिए होता है, मतलब बस उसमें बॉईल आए तो आपने चूल्हा बंद कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये मालपूड़ी कैसे, गोल गोल कैसे, ये अच्छे गोल गोल ही फ्राई होंगे, मतलब ये आप कह लें मीठी पकौड़ियाँ बन रही हैं। हाँ। और ये डायरेक्ट शीरे में चली जाएंगी बनाने के बाद, शीरे में चली जाएंगी और ये बहुत मज़े की लगती हैं। आप ना नगे रेडी हो गए, गुलाब जामुन भी कह सकते हैं। हाँ, हम लोग बचपन में ये कहते थे, हम लोग बचपन में हमें ऐसे चूल्हा बंद बनाया जाता था। शीरा रेडी हो गया, मैं दिखा देती हूँ यहीं पर ही। ठीक है, लेकर आओ। अच्छा, पुराना जो शीरा होता है ना, उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम गुलाब जामुन बनाई थी तो उसका शीरा इसमें ऐड है, और वो थोड़ा सा था, वो मैंने ऐड कर दिया, तकरीबन एक कप के बराबर का था, क्योंकि इसको डिप करने के लिए ना हमें ज़्यादा शीरा चाहिए और ये गर्म ही चाहिए होता है। तो इसको मैंने बना के रख दिया शीरे को यहीं पर ही, और ये बस इसको मैं थोड़ा सा फेटूंगी, उसके बाद इसके फुलके हम बना लेंगे, मतलब अभी 2-3 मिनट और फेटेंगी उसके बाद, ताकि थोड़ा सा फ्लफी हो जाए, फिर फुलके बनाते हैं। तो जी, ये फेट लिया था अपने ना अच्छे से, और इसमें अब देखें छोटी छोटी सी अपनी ऐड कर रही हूँ, और ये पता है बड़ी हो जाएंगी। हाँ, और इसको किसी बड़े बर्तन में आपने निकालना होगा, मतलब शीरा मैंने एक बड़े प्याले में डाल दिया है, ज़रा फैला हुआ होना चाहिए। वो रहा शीरा बड़े प्याले अब में, ये उसी के अंदर डिप हो जाएंगी। अब इसको अब ये डालती रहेंगी, जब ये अच्छी सी गोल्डन फ्राई होगी ना तो फिर इसको निकाल लेंगे। सारी इसमें ऐड कर दी हैं और बाकी का है अभी, और उसके बाद अब बस इसको गोल्डन सा फ्राई करेंगे और डायरेक्ट ये जाएगी शीरे के अंदर। तो देखिए हमारे मालपूड़े कम वो नकली वाली गुलाब जामुन मीठी फुलकियाँ या गुलगुले जो भी कहना चाहें, लेकिन ये हमारे लिए मालपूड़े हैं और ये तैयार हो गए हैं। यार ये बनते हैं किसी के घर से, हमारे घर आए थे। एक मिनट, मैं आहिस्ते से डालूँ इसको या प्लेट में करके डालूँ, छीटे ना आए। एक वहाँ डाल दो, डायरेक्ट डालती तो छीटे आती हैं, क्योंकि वो भी गर्म है ना शीरा। हाँ, तो ये देखिए मज़ेदार से रेडी हो गए हैं हमारे मालपूड़े, और हाफ इसमें ऐड कर दिए हैं शीरे के अंदर, हाफ ये रहे ड्राई, मतलब खाली फ्राई करके निकाल लिए हैं। और अगर ये ख़त्म हो गए, मतलब शीरा बच गया, तो ये अभी ऐड कर देंगी, नहीं तो अगर हम चाहेंगे तो इसको दही में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन है, इसमें कोई शुगर तो ऐड हुई भी नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह यूज़ हो जाएंगे और ये बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। अभी तो रोज़ा है, खैर इंशाल्लाह इफ्तार पे खाएंगे। अच्छा जी, नमकीन में हमने निकाल लिए हैं समोसे, जो कि ये हमारा लास्ट वाला बैच बचा हुआ है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा डैमेज भी लग रहा होगा, क्योंकि आखिर वाले जो होते हैं ना वो ज़रा से हो जाते हैं डैमेज, क्योंकि पानी आ जाता है ना उसके अंदर, इस वजह से नहीं, बार बार ना हम ढकना वो खोलते निकालते हैं, तो ये लास्ट वाला ऐसा हो जाता है बेचारे। हाँ, थोड़ी थोड़ी सी हालत ऐसी है। 27वां रोज़ा, ठीक है, हमने कुछ ज़्यादा तैयारी शरी नहीं करी, बस मालपूड़े बनाए हैं, और इसके अलावा तरबूज कट हो गया है, वो मैंने दिखाया नहीं कट होते हुए, क्योंकि सबको पता है कैसे कट होता है। इसके अलावा ये समोसे निकाल लिए, नमकीन के लिए कुछ तो चाहिए था ना, कि नमकीन तो होना चाहिए ना, दो मीठे हो गए, नमकीन में ये फ्राई कर लेंगे बस। और ऑयल कर लिया है, गर्म करने रख दिया है, और बस अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ, और जब भी आप लोग फ्रोज़न समोसे फ्राई किया करें तो थोड़ा अच्छा गर्म तेल में फ्राई किया करें, मतलब बहुत धुएं निकलता हुआ भी तेल नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छा गर्म होना चाहिए, उसमें फ्राई करें तो बिल्कुल बहुत अच्छे होते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं। तो बस ये हमारी सिंपल सी इफ्तारी है, लास्ट के रोज़ों में हमसे ज़्यादा कुछ नहीं खाया जाता है, और मतलब हम लोग बोर हो जाते हैं फ्राइंग वगैरह खा के और समोसे रोल खा के बेसिकली, और दही बड़े छोले ये सब, तो हम लोगों को कुछ डिफरेंट चाहिए होता है डेली बेसिस पे, तो हम कुछ डिफरेंट ही बना रहे होते हैं, या फिर नॉर्मल जो खाना होता है ना, हम कहते हैं अम्मी हम यही खा लेंगे, अफ्तारी नहीं बनाइए प्लीज़, कोई एक चीज़ हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हम करते हैं।
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पाकोला। पाकोला के लिए हम लोगों ने पाकोला की जो पाकोला मिल्क, पाकोला मिल्क बना रहे हैं, पाकोला सोडा मिल्क बन रहा है, तो उसके लिए दूध ले लिया है। इसके अंदर हम ये सोडा वाटर बॉटल जो होती है, वाटर बॉटल नहीं नहीं ये पाकोला जो सोडा होता है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पाकोला सिरप, जो ये ग्रीन वाला सिरप होता है वो ऐड करूँगी। वो तो सादा भी आप दूध में डाल के पिए वो भी मज़ेदार लगता है, हम लोगों को उसका टेस्ट पसंद है। तो बस ये ऐड कर दूंगी थोड़ा सा इसके अंदर। उसके बाद खूब सारी इसमें बर्फ़ ऐड कर देंगे और उसको मिक्स करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और बस इस बार ये हुआ है, पिछले साल अच्छा आम वगैरह बड़े अच्छे आए हुए थे मार्केट में, तो हम लोगों ने बड़े शेक्स वगैरह रमज़ान में ना शेक्स वगैरह बड़े पिए थे। इस बार हम लोगों ने नहीं पिए क्योंकि फ्रूट ही अच्छे नहीं थे। अब आएंगे इंशाल्लाह तो हम लोग इन्जॉय करेंगे, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो बस यहाँ पर बस मैं यही बना रही थी और मुझे ये अच्छा लगता है यार, ये बड़ा लाइट रहता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये हम खाली पेट नहीं पीते, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद पीते हैं। मतलब डायरेक्ट ये नहीं होता कि पहली सिर्फ हमने यही पी ली, हम पहले पानी वगैरह पीते हैं आराम से, मतलब कुछ खाते हैं फिर उसके बाद पीते हैं। जो भी हमें जूस रखना होता है ना, भले हम रूह अफ़ज़ा क्यों ना बनाए, तो हमारा यही रूटीन है, हम पहले खाते हैं कि कुछ पेट में चला जाए, उसके बाद फिर होता है कि हाँ भाई एक गिलास ले लेते हैं। ये नहीं होता कि नहीं भाई दो तीन गिलास भर के पी लिए। तो खैर ये तो हमारी बातें हैं और चलती रहेंगी, और इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।